बराहूं शंभुनाता रहा कुमारी तप किया, विवाह करूंगी तो भोले बाबा से, वरना ऐसे ही रहूंगी, विवाह ही नहीं करूंगी। सप्तऋषि आए, सब देवता पहुंच गए भोले बाबा के पास, भोले बाबा ब्याह करवा। ब्रह्मा जी ने जरा सपोर्ट लगा दी, सरकार हे भोलेनाथ विवाह करवा लो। भोले बाबा बोले हम नहीं करवाएंगे। क्यों? पिछली बार हुआ था देवी जी स्वाहा हो गई, अब दोबारा चक्कर में नहीं पड़ना है शादी वादी। अरे करवा लो बाबा, इन सब देवताओं को बहुत दिनों से शादी के लड़ुआ खावे नहीं मिलेगा, रसगुल्ला खाने का बड़ा मन है, काला जामुन का। अच्छा हम नहीं करवाएंगे। राम जी से प्रार्थना की, राम जी प्रकट भए, राम जी को बहुत मानते भोले बाबा, सरकार देवताओं की इच्छा है आप विवाह करवा लो। भोले बाबा बोले लड़की ढूंढो, देवता बोले पहले ही देख चुके हम, और आप तो हां भर बोलो। भोले बाबा बोले लड़की कौन है? बोले हिम्बानी की पुत्री पार्वती है। भोले बाबा बोले पिछली बार जैसे सिस्टम में नहीं पड़ना है, इस बार जरा देख परख करके विवाह करना है, देख लो। सप्तऋषियों को भेजा, पार्वती को बड़ा समझाया, कहां भोले बाबा के चक्कर में पड़े वो नंग धुड़ंग आदमी, न रहने का ठिकाना ना बसने का ठिकाना, तुम कहो तो विष्णु भगवान से विवाह करवा दें। पर पार्वती जी कहती राहूं शंभुनाता राहूं कुमारी। विवाह करूंगी तो भोले बाबा के साथ, वरना नहीं करूंगी। सप्तऋषि भोले बाबा के पास आए, बोले ग्रीन सिग्नल है, आप तो विवाह के लिए हां बोलो, सिग्नल ठीक है, ग्रीन लाइट है। भोले बाबा बोले ऐसे नहीं, हम भी चेक करेंगे, तुम चेक कर लिया। भोले बाबा स्वयं चेक करने आए, पर पार्वती जी तो एकदम अटक। भोले बाबा ने कहा जाओ, जब इतनी ज्यादा पीछे लगी हो तो अपने पिताजी को कहो तैयारी करें, हम दूल्हा बनकर आ रहे हैं। भोले बाबा की विवाह की तैयारी होने लगी, इधर हिमबान के घर पर लगन पत्रिका पहुंचाई गई। भोले बाबा अपने कैलाश पर्वत पर नंदी भृंगी श्रृंगी के साथ बैठे हैं, देवताओं को पता लगा के भोले बाबा की बारात जानी है, सब देवता अपनी अपनी तैयारी करने लगे। जमराज अपने भैंसा को साफ कर रहा है साबुन लगा लगा करके, इतना रगड़ करके साबुन लगाया, रुक जा जो अगर आज करिया से गोर ना कर दिया तो हमारा नाम नहीं। जमराज जैसे ही इतना बोला तो भैंसा बोला सरकार कोई गलती हो गई क्या? जमराज ने कहा कोई गलती नहीं, फिर इतना रगड़ो कहे जा रहा हो? जमराज ने कहा पता नहीं बारात में जाना है, किसकी? भोले बाबा। भैंसा बोलो हम तो भीतर से भी करिया बाहर से भी करिया, चाहे जितनो लगा लो महाराज, साबुन बड़ा जाए पर हमारी कालिख ना जाए, कुछ और उपाय करो। ओ जमराज ने कहा जब ऐसी बात है तो ठीक है कोई बात, जल डाल करके स्नान करा। इंद्र अपने वाहन को सजा रहा, ऐरावत, ऐरावत हाथी सफेद, ऐरावत हाथी होता है श्वेत, एकदम तैयार कर रहा, फूल माला लग गुच्छा मोंगरा के फूल लगा रहा है, गुलाब के फूल मोंगरा के फूल की लटकियां लटका रहा है इंद्र, घंटी बांध रहा है। भगवान श्री हरि विष्णु भी तैयार हो रहे, लेकिन जिसकी शादी होनी है उस पर किसी का ध्यान नहीं,
दूल्हे राजा ज्यों के त्यों बैठे बिना कछु पहने, कोई तन पे वस्त्र नहीं। कहां? कैलाश पर्वत में। शाम होने वाली बारात चलने 3 घंटा बाद। और भोले बाबा ज्यों के त्यों नंदी अपनो मूड खोजा के बोले, बाबा आज बारात आ जाने। भोले बाबा बोले, की? अरे बोले आपकी। बोले जानी तो है। अरे बोले जानी तो है सो तो ठीक है, कम से कम तैयार तो हो जाओ, श्रृंगार कर लो। भोले बाबा बोले, इस श्रृंगार में कोई कमी? नंदी नीचे मुंह डाल के बोले, आपके इस श्रृंगार लायक अभी कोई लड़की नहीं बनी है। जिस हिसाब से आप कह रहे कि इस श्रृंगार में कोई लड़की नहीं है तो करें क्या? नंदी और भृंगी दोनों आपस में बात करने लगे, बोले दूल्हा का श्रृंगार करो। अब देखना श्रृंगार कैसे कर रहे हैं। सिपाही शंभुगन करही सिंगारा, लगे सवान। सिपाही शंभुगन करही सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर समारा। भोले बाबा के सभी गण नंदी भृंगी श्रृंगी भोले बाबा का श्रृंगार करने लगे। तो भृंगी ने कहा, एक बात बताओ, दूल्हा में खासियत क्या होती है? बोले दूल्हे में पहली खासियत तो होती है कि वो मुकुट पहनता है। भोले बाबा लोग, कहो तो मुकुट सोने को उधार ले आए विष्णु भगवान से 2-4 दिन के लिए। भोले बाबा बोले, जे सब लफड़ा नहीं, उधारी का मामला अपन नहीं पालते। अरे बोले दूल्हा मुकुट पहनता है? भोले बाबा बोले, वाह, उधारी का मुकुट पहन करके गए हो, 2-4 दिन बाद फिर वापस कर देंगे तो फिर बराबर। मानो भोले बाबा कहना चाहते हो कि हम ऐसा बर नहीं बनना चाहते जो बाद में बराबर हो जाए, हम तो बराबर वाला ही बर बनना चाहते हैं। बात तो सही है। तो अब मुकुट कौन सा? तो जटा मुकुट, जटाओं का मुकुट बना दिया, ऐसे बढ़िया खड़े कर दे, जटाएं बांध दी, रस्सी बांध दी, आहा आनंद के साथ ऐसा मुकुट बना दिया। तो जटा मुकुट, अब कहा कि दूल्हा को मोर भी पहनाया जाता है। तो नंदी ने कहा, ये मोर कैसा होता है? भृंगी बोले, सामने लटको रात लट कैसे? बोले रुक जाओ, बेट इन ब्याज, क्या किया जाए? नंदी तुरंत भागते भागते गए कैलाश पर्वत के एक कोने से पतरे पतरे सांप पकड़ ले आए, हरीरे पीरे कारे लाल पतरे पतरे सांप पकड़ ले आए। और सब सांपों को ला करके सब सांपों का मुंह बांध दिया बड़े सांप से, और मुंह बांध के शंकर जी की जटाओं में मुंह धर दिया और लटे पूंछ लटका दी भोले बाबा के मुख के सामने। अहि मोर सवारा, ये मोर हो गया। अब सांप और सांप की पूंछ और पूंछ लहरावे सो आनंद आवे, भोले बाबा को बीच बीच में मुख दिख जावे और पूंछ लटक रही। बोले ऐसा मोर तो किसी का नहीं बना होगा। अही माने सांप, अही मोर सवारा। अच्छा यहां पर एक ध्यान देना विद्वान लोग, सांप का ही मोर क्यों पहना? मानो भोले बाबा कहना चाहते हो कि तू शादी की खुशी में काल को मत भूल जाना, काल तेरे सिर पर हमेशा बैठा हुआ है, इसलिए भोले बाबा ने अहि मोर पहना है, सांप का मोर। अब कानों में कुंडल, तो कुंडल काहे का? सोने चांदी के? ना 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 ना, भोले बाबा के कानों में कुंडल पहनाए गए बिच्छू के, बिच्छी कानन में फंसाई गई, पतरे पतरे सांप बिच्छू के पैरों में बांध गए दोनों तरफ एक जैसे छल्ला बनाकर। आहा हा कानन कुंडल। अब कहा, भाई ये तो हो गया लेकिन फेसियल नहीं हुआ। ये फेसियल का होते है भैया? नंदी ने कहा, ये फेसियल का होते? अरे दूल्हा गोर दिखने लगता है। भोले बाबा बोले, हम तो पहले से ही गोरे हैं। सच में कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम उजगेन्द्रहारम।
भोले बाबा का यह ध्यान का मंत्र है, हम लोग आरती में जो बोलते हैं कर्पूर गौरम, कपूर की भांति इनका रंग है। कपूर कैसा होता है? सफेद। तो कहा फेसियल तो जरूरी है, तो नंदी ने कहा फेसियल का पार्लर नहीं है। कई बार हमें पार्लर से ध्यान आने लगता है कि आजकल सबसे ज्यादा श्राप अगर किसी को लगनी है तो पार्लर वालों को, क्योंकि वो पुरानी बिगड़ी गाड़ी को भी ऐसे बना देते हैं। राम 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 राम। एक बार हमारे चंगी लाल को ब्याह भाव भाव स्वभाव, चंगी लाल की शादी भाई, तो पार्लर वाली ने कारी लुगाई गोरी बना दी। चंगी लाल की लुगाई का नाम मुन्नी बाई, तो पार्लर करवाने वो गई थी काली, एकदम गोरी निकल आई, अंग्रेजन लगे दूर से। अब चंगी लाल को तो दिखाई नहीं पड़ा, शादी तय हो गई। जैसे ही बरमाला का समय आया उसी समय भगवान की कृपा हुई कि वर्षा हो गई, और बारिश भई सो पूरो फेसियल बहा गो, और ऊपर से गोरी नीचे से कारी, ऊंसे ही जो है अमास जैसो करिया रात बाहर निकल के आ गई। चंगी लाल ने गौर से देखो के अबे तो माला भी नहीं डरी है, जी हाल है जौन हिसाब को हमारी धर्म पत्नी होवे वारी को रूप है, अगर जा अकेले में कौआ मिल जाए तो आदमी डरा जाए। सोई चंगी लाल ने दई दौड़, भाग गया चंगी, बराती पीछे पीछे दूल्हा आगे आगे। चंगी लाल कहां जा रहे? बोले प्राण बचा रहे। क्यों? बोले पार्लर वाले के घर जा रहे हैं जिसने काली को गोरी बनाया है, तो अब फेसियल के लिए पार्लर तो है नहीं, भोले बाबा का फेसियल कैसे होगा? तो भृंगी ने कहा पाउडर लगा, नहीं है फिर पाउडर लगा पाउडर। अब पाउडर का कौन दुकान है खुली के दिल्ली का मीना बाजार, क्या किया जाए? तो नंदी बोला एक उपाय है, पाउडर कैसा होता है? बोले सफेद सफेद। अरे बोले वो तो मिल जाएगा। भागा भागा नंदी मरघट गया, शमशान भूमि से 5 किलो राख भस्म लेकर के आ गया, ये पाउडर की व्यवस्था हो गई। अच्छा भैया राख कोई भस्म लगाए तो लगावे, तो मल ले तो बढ़िया लगे, लेकिन इनने कहा करो कि सब गड़ों ने भोले बाबा के पूरे शरीर में भस्म मसक दई, अद्भुत भेष हो गया। भोले बाबा नीचे से ऊपर तक बोले अब बताओ कैसे लग रहे? नंदी बोलो पाउडर तो बहुत अद्भुत लग रहा है, ये तो आप रोज लगाया करो पाउडर। अब पाउडर हो गया, भोले बाबा खड़े होइए, बाबा खड़े भय, बोले और तो सब ठीक है, सिस्टम सब गड़बड़, शेरवानी मंगवाए? बाबा बोले नहीं 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 ऐसे ही काम चलेगा। अरे बोले सरकार आप कछु नहीं पहने, कुछ तो पहनो, शेरवानी पहनो। बोले बाबा बोले ब्याह करवाऊने के नहीं? नंदी बोले ब्याह तो तुम्हारा होना है। बोले बाबा बोले होना तो हमारा है पर हम अब जाएंगे ही नहीं। नंदी बोले नाराज मत हो, मत पहनो शेरवानी, लेकिन कुछ ना कुछ तो मर्यादा होवे। तो जिस बाघम भर पर भोले बाबा बैठे थे वही कमर में बांध दी, लेकिन बाघम भर में कौन बटन है? बाघम भर यानी सिंह की छाल खाल, अब उसमें कौन बटन है कि लगा दो? नंदी बोले अब एक और नई आफत, बाघम्बर पहना तो दई जब रुक नहीं रही या, तो क्या किया जाए? कहा कि एक गण को पकड़वे पे लगा दो जो पकड़े ही रहे। आओ, आओ, अब देखना आनंद। तो नंदी ने कहा शायद उको हाथ बीच भावनन में दर्द करन लगे और छोड़ दे तो होता ही पूरा सिस्टम, दिव्य दर्शन। आपत हो जाएगी, दिव्य दर्शन हो जाएंगे भोले बाबा को, शादी बिगड़ जाएगी, सब भाग जाएंगे दिव्य दर्शन करके, क्या किया जाए? अब कमर में बाघम्बर बांधे कैसे? एक उपाय है नंदी ने कहा। बोले क्या? नंदी भागे भागे गए,
ढाई हाथ को एक करिया सांप पकड़ ले आए। नाग ने कहा हमें कहां ले जा रहे किडनैप करके। नंदी बोले कीप क्वाइट, चुप रहे, बारात में जाना कि नहीं? यस, तो चल। नाग को लिया और भोले बाबा की कमर पे बांध दिया बाघाम भर के ऊपर से। और सुन, खिसक ना जाइए। नाग बोला क्यों? बोले पूरी इज्जत तुम्हारे ऊपर। नाग बंध गया, अब आनंद हो गया। अब नाग बंधा कमर में, अब भोले बाबा बोले बताओ कैसा भेष है, अद्भुत। बाबा ने डमरू उठाई, डमरू बजाई, देवता सब बराती आ गए। और बरातियों ने भोले बाबा का रूप देखा तो सब परेशान हो गए, बोले राम 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 राम। देवताओं की पत्नियां कहने लगी हे भगवान, बताओ इस दूल्हा के लिए भी कोई दुल्हन बनी? देवता आपस में चर्चा करने लगे कि जिस हिसाब से दूल्हे बाबा का रूप है, इस हिसाब से मिर्चवानी तक नहीं मिलने। बारात जिसके घर जानी है लठ और मिल ले। तो एक आपातकालीन मीटिंग बुलाई गई। मीटिंग में निर्णय लिया गया कि सबसे पहले हम लोग आगे जाएंगे और जाते ही सबसे पहले भोजन पाएंगे, रसगुल्ला खाएंगे। बोले क्यों? बोले क्या पता अगर भाई साहब आ गए तो फिर नहीं कछू मिल ले, ब्याह भी ना हो। आपातकालीन बैठक में देवताओं का निर्णय हुआ, इंद्रादिक देवता ने निर्णय लिया। आप कभी कथा पढ़ना तो राम कथा पढ़ोगे तो रामायण में राम जी का विवाह जब हुआ तो विवाह के बाद भोजन का वर्णन आया, पर भोले बाबा की आप जब भी कथा पढ़ोगे तो पहले वर्णन आया, क्योंकि देवता बड़े चालाक थे, इनने पहले ही रसगुल्ला खा लाए। अब बारात चली, देवताएं आ गए फुर्र साहब वाहन लेके। अब भगवान के गण बोले भोले बाबा के आज कम से कम एक ठैया रथ ले आए, रथ विमान। भोले बाबा बोले नहीं ऐसा ही, हमारा नंदी ठीक है। तो किसी ने कहा आज शादी है, कम से कम विमान पर बैठो, रथ पर बैठो। भोले बाबा ने बोले नंदी पर शादी करवानी के नहीं, कहीं जाओ और लंबी आफत है। नंदी बोले सरकार हम तैयार हैं। तो प्रतिदिन तो भोले बाबा सीधे बैठते थे सींग पकड़ के, आज उल्टे बैठे पूंछ पकड़ के। अब आप कल्पना करना, पूंछ पकड़े भोले बाबा बैठे। यहां पर एक बहुत सुंदर बात हमारे चित्त में आ रही है, भोले बाबा पूंछ पकड़ के क्यों बैठे? भोले बाबा को पता है कि भगवान विष्णु बारात में है, बाराती पीछे रहता, दूल्हा आगे रहता, भगवान को पीठ करेंगे तो पाप लग जाएगा, भगवान की तरफ मुख करके ही हम विवाह में जाएंगे। और बाबा ने डमरू उठाई, बाराती तो सब चले गए, बाबा ने डमरू उठाई, डमक डमक डुम 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 डमरू बाजे की बारात, भोले बाबा की बारात चली, भोले की बारात, भोले बाबा की बारात चली, भोले की बारात, भोले बाबा की बारात चली, भोले की बारात, भोले बाबा की बारात। दोनों हाथ उठा कर गए, डमक डमक डुम डमक डमक डुम डमक भोले की बारात, भोले बाबा की बारात चली, भोले की बारात, भोले बाबा की बारात, भोले की बारात, भोले बाबा की बारात।
नाचने लगे, नंदी भी, भृंगी भी, श्रृंगी भी, भोले बाबा भी, तो सब नाच। हाँ, सब नाच रहे थे, तो जो नाग बंधा हुआ था कमर में उसने सोचा हम भी नाच लें, हमें को देख रहा, सब नाच रहे, कौन देख रहा है, थोड़ी देर डांस कर लें फिर वापस आ जाएंगे। तो उस सांप धीरे से खिसको नाग, और धीरे से नाग खिसक के कोने में, वो भी डमक डमक डुम 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 डमरू बाजे डमक डुम डमक डमक डुम डमक डमक डुम डमक डमक डुम डमक डमक डुम डमक। नंदी नाचे दादा थैया, देवता नाचे दादा थैया, भंगी नाचे दादा थैया, संगी नाचे दादा थैया, बाबा की बारात भोले बाबा की बारात, झूम रहे थे लेकिन नंदी ने गौर से देखो कि सिस्टम तो गायब है। जब गौर से देखा के कछु ही नहीं बचो, तो नंदी ने देखा कि जिस नाक कहां गाओ, और जब देखा नंदी ने सो कोने पे बेतो, ए भोलेनाथ भोले बाबा की बारात, डमरू वाले की बारात, भोले बाबा की बारात, डमरू वाले की बारात। नंदी ने पकड़ो, कहां जा रहे सरकार, कहीं जा नहीं रहे, तनक डांस कर रहे। नंदी बोले तुम बहुत बेकार आदमी हो। बोले क्यों, देखो तुमने इज्जत खराब कर दी दूल्हा की, वो तो कुशल है कि कैलाश पर्वती पे तुम खिसके, कहीं अगर तुम भावरन में खिसक जाते तो दिव्य दर्शन। दिव्य दर्शन हो जाते। नाग माफी मांगने लगा, क्षमा कर दो अब गलती नहीं होगी। नंदी बोले क्या पता तुम दोबारा खिसक जाओ। बोले नहीं, अब एक बार डांस कर लिया अब नहीं। नंदी ने फिर पकड़ा, फिर कमर में बांधा, मृग छाला बांधी, और बाबा की ऐसी अद्भुत बरात, भोलेनाथ से निराला, डमरू वाले से निराला, 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 मेरे बाबा की बारात, भोले बाबा की बारात, सूरज नाचे नाचे दाता थैया, चंदा नाचे सूरज नाचे नाचे दाता थैया, नंदी नाचे भंगी नाचे नाचे दाता थैया, नंदी नाचे भंगी नाचे नाचे दाता थैया, मेरे बाबा की बारात भोले बाबा की बारात, 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 जाओ। ऐसी बाबा की बारात शुरू भाई, अद्भुत बारात का आनंद।
बाबा की बारात चली और जैसे ही बारात हिम्बान के घर पर पहुंची नगर में, तो सबसे पहले तो हिम्बान के नगर में देवता पहुंचे बराती बनकर के। तो देवताओं में भगवान विष्णु जी, भगवान ब्रह्मा जी, नारद जी आदि देवता, इंद्रादिक देवता सब सब धज करके चले, विष्णु भगवान बीच में, बाकी देवता अगल बगल। तो जो गांव के नगर वाले स्वागत करने वाले थे, उन्होंने देखा आहा बारात तो बड़ी खूबसूरत है। विष्णु भगवान को देखकर बोले, लगता है दूल्हे राजा जे ही है। नारद जी बोले, दूल्हे राजा ये नहीं है, ये तो बराती है, बारात। गांव वाले बोले, वाह जब बारात इतनी सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर नहीं होगा। नारद जी नीचे मूड लाल के बोले, अब आऊं चाउद भाई साहब देख लियो, बताने से क्या फायदा है, थोड़ी देर में प्रभु आने वाले हैं, दर्शन कर लेना, अद्भुत दर्शन है। तो गांव वाले बोले, मतलब? अरे नारद जी बोले, कुछ नहीं, स्वागत की तैयारी तेज करो, आने वाले देवता पहुंचे हो, जाते ही मिर्चवानी स्वागत, बाद में सबसे बोले पंगत ले आओ, खा पी के देवता तैयार। अब भोले बाबा ने थोड़ी दूर कैलाश पर्वत से चले ही, तब तक देखा कि पीछे एक भी बराती नहीं। भोले बाबा बोले, नंदी जो बताओ कि अपन कितने लोग हैं। नंदी बोले, चार। कौन कौन? बोले नंदी, भृंगी, श्रृंगी और हाफ। भोले बाबा बोले, बराती कितने होने चाहिए? नंदी बोला, जिस हिसाब का दूल्हा हो उस हिसाब की बारात। भोले बाबा बोले, हमारे हिसाब से? बोले, कम से कम 2-4-6-8-10 हजार होने चाहिए। भृंगी बोला, नहीं, कम से कम 1 लाख। बाबा बोले, बराती कहां गए? बोले, वे तो चले गए। बराती क्यों आगे चले? आपके रूप को कोई सह नहीं पाता है। अब बोले क्या? तो सीधी बात बोले, आपके रूप के दर्शन सब कोई सह नहीं पाता है। अच्छा, हाँ। भोले बाबा बोले, अपने वाले बुला लो बराती। नंदी बोले, तनक देर है, समय दो हमें, रुको आप, वे तो तैयार है बैठे। अब भोले बाबा के अपने वाले बराती को आए। नंदी गए डमरू उठाई, बाबा का आदेश है, बम हर हर भोले। भूत हो, पिशाच हो, सांकनी हो, डांकनी हो, यक्ष हो, राक्षस हो, गंधर्व हो, बेताल हो, चुड़ैल हो, बैरवासन हो, सब हो हाजिर, भोले बाबा की चली है बरा। आर भूत की कत रोत चिल्लात, हर हर भोले का। भूत आ गए, पिशाच आ गए, सांकनी डांकनी, अनेक अनेक प्रकार के भूत प्रकट हो गए, लाखों भूत, ऐसे ऐसे भूत। एक भूत ऐसा को उसके 4 मुख, एक पूरब में, एक उत्तर में, एक दक्षिण में, एक पश्चिम में। अच्छा, हमें कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो है पत्तल परसने वाले को, कौन सी दिशा में डालेगा, कौन सी दिशा में डालेगा। अब ये पता ही नहीं है कि इन भाई साहब के 4 अंगा चलत के एक एक भूत तो और गजब को, हाथ है ही नहीं है, चले आ रहे ऐसे। एक भूत तो और गजब को, हाथ पांव दो ही गायब। बोले चल कैसे रहे? बोले ड्राम जैसो लुड़का चलो आ रहा। नंदी के पावन में आके घलो, नंदी बोला कौन? बोले हम भूत। बोले यहां क्या कर रहे? अरे बोले तुम साइड में हटो, हम तो चले आ रहे। एक भूत तो और गजब को, 4 आंखें, 2 आगे, 2 पीछे, बैक कैमरा। लेकिन एक भूत तो और गजब को, मुंह ऊपर है, खाने वाला मुंह ऊपर, आंखें सामने, बाकी प्लेन एकदम अमेरिका जैसो हवाई पट्टी। अच्छा, दिक्कत हमें नहीं है, दिक्कत है कि ऊपर कौन सो पत्तल फंसा हो जाए। अब तरह तरह के भूत, भारतीय भूत आए, कुछ दिल्ली के भी मरघटन के गए, और हरियाणा वाले भी नूकी कर रहा जी भी पहुंच गए, हरियाणा वाले भूत भी पहुंच गए, भारतीय भी गए, विदेशी भी आए, अमेरिका के टाई बांध के आए, चाइना के भी हल्की हल्की आंखें चिंग चंग 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 वो भी आए, वेस्ट इंडीज के करिया करिया भूत आए, एकदम ब्लैक ऊपर से नीचे तक ब्लैक, बेबी आए।
ऑस्ट्रेलिया के लंबे लंबे भूत आए। भारत के भूतन की अमेरिका के भूतों की लड़ाई हो गई। लड़ाई ऐसी भाई कि एक भारतीय भूत रहा होगा दिल्ली का जापानी पार्क का, रहा होगा। अब खबर तो है नहीं, नाम तो लिखा नहीं, नेम प्लेट तो है नहीं, हमें तो लग रहा है तुम्हारे लक्षण देख के होता है ये तई को रहो हुई है। अमेरिका के भूत की टाई पर देखी तो टाई पकड़ के टंगो, टाई पे झूला झूलन लगो। अमेरिका के भूत को घरों फंसकाओ, उचल्ला के बोलो नीचे उतर, मरने के बाद भी मारेगा क्या? तो भारतीय भूत ने पूछा कि ये है क्या? बोले दिस इज टाई, ये टाई है, टाई टाई है, टाई। अमेरिका वाले भूत ने पूछा क्या तुम लोग टाई नहीं पहनते? उस जमाने में हमारे भारत के लोग परदनिया पहनते थे, धोती, जिसे क्या बोलते हैं, धोती, परदनी, परदनी पहनते थे तो पीछे लगाते थे कांच। अब भारत का भूत और जापानी पार्क का भूत पीछे रह जाए, बोले ये कौन सी टाई है? बोले ये आगे वाली टाई है। भारतीय भूत ने अपनी परदनी का एक छोर निकाल के बोला हम लोग बैक टाई पहनते हैं, आओ आओ तुम पहनो आगे की टाई, हम तो बैक टाई पहनते हैं। अद्भुत बरा सब भूत। अच्छा ये वर्णन आया एक जगह कि भूतों में भी इतनी सुलह कि सब लाइन से खड़े, लाइन से खड़े सो तो ठीक है, हर हर सब जयकारा लगा। बोले बाबा बोले आ गए। भूत बोले आपकी जय हो, आपने बुलाया हम आए। अब भूतों की टोली तैयार, बारात तैयार। नंदी बोले कमी तो नहीं है? बोले बाबा बोले इतने ही को संभालना मुश्किल लग रहा हो, अब कमी नहीं है, चलो। बारात चली, आगे भारतीय भूत, उसके पीछे चाइना के, फिर अमेरिका के, फिर ऑस्ट्रेलिया के, सबसे लास्ट में वेस्टर्न डीज के। तो वेस्टर्न डीज वाले बोले कि हमको पीछे क्यों लगाया गया? भोले बाबा बोले इसके बाद फिर डेंजर एरिया, इसके बाद फिर स्टॉप का मामला है, उनको सबसे लास्ट। बारात चली अद्भुत, सब भूत प्रेतादिक नाच रहे, महादेव के गीत गा रहे। नगर में बारात पहुंची तो हेमवान के नगर में बारात जैसे ही प्रवेश करती है तो गांव के लोग तो स्वागत के लिए खड़े, कोई आरती लिए, कोई जल लिए, कोई चाय स्वागत का सामग्री लिए, कोई पुष्पमाला लिए, कोई तिलक चंदन लिए, कोई इत्र लिए हैं इत्र लगाने के लिए। लेकिन बारात जैसे ही प्रवेश भई तो जितने स्वागत करवे वाले हते उनने देखो भूत प्रीत पिशाच सब सामान फेंक के दौड़ लगाई। सब अपने अपने घरों में प्रवेश करके दरवाजा बंद करने लगे। परिवार वालों ने पूछा क्या हुआ? अरे बोले बारात आई, जमराज की फौज आई है, आफत है, बाहर मत निकलना। घर वालों ने समझाया, नारद जी ने गांव वालों को समझाया, नगर वालों को कि ये भोले बाबा हैं, इनकी अद्भुत लीला है, आप डरो मत, ये भूत चिपकने वाले नहीं है, ये शिव से चिपकाने वाले भूत हैं, चिपकते नहीं है, ये शिव से चिपकाते हैं, क्योंकि ये स्वयं भोले बाबा के चरणों में चिपके हैं, फिर ये किसी को नहीं चिपकेंगे। कितनी अद्भुत बात है, जो भोले बाबा के चरणों को चिपक जाता, जो गुरु चरणों को चिपक जाता, फिर वो संसार में नहीं चिपकता है, मानो इस कथा का यही सार है। अब कथा तो बहुत लंबी है, समय कम है, आज 8:30 बज गए हैं, खूब मनो आनंद हुआ है, खूब जय जयकार हुई है, इसलिए कल चर्चा करेंगे। भोले बाबा का पाणिग्रहण हुआ, बाबा की विदा हुई माँ पार्वती के साथ। बोलो हर हर महादेव।